खबर हल्द्वानी से है, जहां पर 3 बार समय सीमा बढ़ाने के बाद भी विपक्ष ने विद्युत शव दाह गृह का काम पूरा नहीं किया है। नगर निगम ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के बाद विपक्ष से काम छीन लिया है। नगर निगम को रानी बाग में विद्युत शव दाह गृह बनाने के लिए शासन से 2.71 करोड़ रुपए मिले थे। नगर निगम ने इसका काम विपक्ष को सौंपा था। 24 जनवरी 2021 को काम पूरा करना था। निगम ने कंपनी को काम पूरा करने के लिए 3 बार का मौका भी दिया, लेकिन सीमा बढ़ाने के बाद भी कंपनी ने काम पूरा नहीं किया है। अंतिम समय 30 अप्रैल 2023 भी समाप्त हो चुकी है। वहीं मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला ने बताया है कि बुधवार को हाई पावर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसके बाद कमेटी ने विद्युत शव दाह गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कमेटी की संस्तुति के बाद गुरुवार को कंपनी से काम छीन लिया गया है। योजना के तहत ये बन रहा था। विगत 3 वर्षों में कार्यदायी संस्था वेबकॉस द्वारा उसका निर्माण पूरा नहीं किया गया। उस समय पूर्व स्तरीय निरीक्षण में पाया गया कि उसमें कार्य अभी पूर्ण होने में लगता है कि कार्यदायी संस्था की रुचि नहीं है। इस संबंध में फिर नगर आयुक्त द्वारा एक जांच समिति बनाई गई थी, जो उसके इलेक्ट्रिकल पार्ट को, फर्नेस पार्ट को देखने के लिए बनाई थी। उसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट आने के पश्चात यह टेंडर या कार्यदायी संस्था को जो अवार्ड हुआ था उसे निरस्त कर दिया गया है, और आगामी उसको तत्काल प्रभाव से 2 महीने के अंदर निर्माण करने के लिए वर्तमान में कार्रवाई जारी है। इसके अलावा ट्रेंचिंग ग्राउंड यानी कि डंपिंग ग्राउंड, जो कूड़ा शहर का सब जगह से जाता है, वर्तमान में लगभग